वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए आ जाइए आप लोग। ऑपरेशन मैनेजमेंट की अगली क्लास में, ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, दिया था, उसका जरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फोर प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी हैव रुपीज 5, 7, 3 एंड 9 प्रॉफिटेबिलिटी रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई ऑफ 800 केजी इज रिक्वायर्ड बाई ए बी सी डी एट 4 केजी, 3 केजी, 8 केजी एंड 2 केजी रेस्पेक्टिवली पर यूनिट। सेकेंड टाइप्स ऑफ मेटेरियल हैज लिमिटेड सप्लाई 300 केजी फॉर ए बी सी डी एट 1 केजी, 2 केजी, 0 केजी एंड 1 केजी पर यूनिट। मशीन आर्स अवेलेबल आर 500 आर्स एंड रिक्वायरमेंट इज 850 एंड 4 आर्स फॉर ए बी सी डी ईच पर यूनिट। लेबर आर्स अवेलेबल 900 आर्स एंड रिक्वायरमेंट आर 3, 2, 1 एंड 5 आर्स फॉर रेस्पेक्टिवली ए बी सी डी। फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कर रहा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है हमारा। अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसके बारे में अगर हम बात करें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए तो क्या कर सकते हैं इसको। यहां पे हम लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव किसका, हमारे पास प्रॉफिट दिया है प्रोडक्ट ए बी सी डी का, वेरिएबल हो गया ए बी सी डी, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सी, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डी। तो आपने क्या लेना है, x1, x2, x3, x4 ले लेना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट मटेरियल हो गया, टाइप मटेरियल 1, टाइप 2, मशीन आर्स एंड लेबर आर्स आपका वेरिएबल हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करते हैं तो कैसे इसको कर सकते हैं, इसका क्या आंसर आएगा, आप लोग मैच कर लो जरा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x1 प्रॉफिटेबिलिटी दी हुई है, 5x1 प्लस 7x2 प्लस 3x3 प्लस 9x4 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स पहला कंस्ट्रेंट क्या है हम लोगों का, मटेरियल टाइप वन। अब देखोगे मटेरियल टाइप वन अवेलेबिलिटी कितनी, 800 केजी अवेलेबल है। क्वेश्चन देखते चलोगे आपको, रिक्वायरमेंट कितना है 4x1, ए में 4 केजी, बी में 3 केजी, 3x2 प्लस 8x3 प्लस 2x4
शुड बी लेस देन इक्वल टू, लिमिटेड क्वांटिटी 800 केजी है। दूसरा है मटेरियल टाइप टू, मटेरियल टाइप टू, मटेरियल टाइप टू 300 केजी अवेलेबल है हमारे पास, 300 केजी अवेलेबल है आपके पास, अवेलेबिलिटी 300 केजी है। ए बी सी डी में यूटिलाइज कितना, 1 केजी ऑफ फॉर ए मतलब एक्स वन, वन इंटू एक्स वन क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री प्लस एक्स फोर शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। अगला कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, मशीन आर्स, मशीन आर हमारे पास है। अगला मशीन आर कितना हो गया, 8x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 प्लस 4x4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 500 मशीन आर्स। इसी तरीके से हमारे पास लेबर आर्स दिया हुआ है, मैन आर्स, लेबर आर्स, लेबर आर्स आपके पास अवेलेबल 900 आर्स हैं, तो कितना हो जाएगा, यूज कितना करे, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3 तो x3 हो जाएगा प्लस 5x4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 900। एंड लास्टली इज x1, x2, x3, x4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आंसर है इसका, मैच कर लीजिए आप लोग। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों का क्या आएगा देखोगे जरा। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स आइटम्स X1 प्लस एंड X2 एंड सोल्ड प्रॉफिट 35 रुपीज एंड 25 रुपीज पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। X1 रिक्वायर्स 3 केजी ऑफ मटेरियल एंड 4 मैन आर्स एंड 2 मशीन आर्स पर यूनिट। X2 रिक्वायर्स 2 केजी ऑफ मटेरियल, 3 मैन आर्स एंड 2 मशीन आर्स पर यूनिट। ड्यूरिंग प्रोडक्शन there are 350 kg of materials, 600 man hours and 500 machine hours available. Formulate linear programming. हमें linear programming formulate करना है, तो normal formulation है। Objective क्या हो जाएगा इसका, maximization of profit. Profit किस पे depend कर रहा है, product 1 और product 2 पे, यही पे depend कर रहा है ना, product 1 और product 2 पे। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब देखोगे कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है आपके पास, मटेरियल्स कितनी अवेलेबल्स हैं, मशीन आर्स कितनी अवेलेबल्स हैं, मैन आर्स कितनी अवेलेबल है, यही तो है आपके पास। तो ऑलरेडी देखो आइटम X1 और X2 है, तो हमने ले लिया X1, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ X1 और प्रोडक्ट X1, और X2 ले लिया प्रोडक्ट X2 के लिए, आइटम X1 और आइटम X2 को। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35x1 प्लस 25x2, 35x1 प्लस 25x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट्स आपका मटेरियल है,
एक्स वन में 3 kg ले रहे हो तो 3x1 हो गया, प्लस एक्स टू में 2 kg आप यूज कर रहे हो, 2x2 अवेलेबल आपको 350 kg है, इज लेस देन इक्वल टू 350। दूसरा आपका है आप लोगों का माइनर्स, अगला कंस्टेंट है माइनर्स। माइनर्स क्या है हमारे पास, कितना यूज कर रहे हैं, 4 hours माइनर्स x1 पे, तो 4x1 हो जाएगा। x2 में आप माइनर्स 3 यूज कर रहे हो तो 3x2, और हमारे पास अवेलेबल माइनर्स कितना है 600, यानी लेस देन इक्वल टू 600। उसके बाद लेबर आर्स है, सॉरी लेबर आर्स हो गया, मशीन आर्स क्या हो जाएगा हमारा, मशीन आर्स 2 hours हमारे पास x1 में, तो 2x1 प्लस, और x2 में भी 2 है तो 2x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 550। अवेलेबल कितना है 550। एंड लास्टली इज x1, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आपका जो लास्ट क्लास में हमने क्या दिया था, होमवर्क दिया था उसका है। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस आगे करेंगे और भी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिस सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप लोग क्वेश्चन करोगे, इधर उधर सीक्वेंस में नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 24 और 25 उसी से रिलेटेड था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह क्वेश्चन बेसिकली मैं बता दूं मिनिमाइजेशन का है, हमने मैक्सिमाइजेशन का देखा, चलिए अब मिनिमाइजेशन का भी देख लेते हैं। ए डाइट इज टू कंटेन्स एटलीस्ट 4 units ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 500 units ऑफ फैट्स एंड 300 units ऑफ प्रोटीन। क्या कहता है, एक डाइट जिसमें कम से कम 400 units कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, 500 units फैट्स होनी चाहिए और 300 units प्रोटीन्स होना चाहिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 2 food अवेलेबल है, 2 foods आर अवेलेबल, F1 विच कॉस्ट इज ₹2 पर यूनिट, F2 कॉस्ट ₹5 पर यूनिट। A unit of food 1 contains 10 units of carbohydrates and 20 units of fats and 15 units of proteins. A unit of food 2 contains 25 units of carbohydrates and 10 units of fats and 20 units of proteins. Find the minimum cost diet of the each consist of the mixer of these 2 foods, so meet the minimum nutrition requirement. Formulate the problem as a linear programming. आपको formulate करना है linear programming. तो सिर्फ formulate करना है, इसमें हमें solve करने की जरूरत नहीं है। चलिए solve करते हैं question number 2। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप 2 तरह का फूड बना रहे हो, फूड F1 और फूड F2, यानी हमारे पास 2 foods है, तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, F1 और F2 2 food हैं। इन दोनों फूड में हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स हैं, हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स, देखो क्वेश्चन में आप लोगों कार्बोहाइड्रेट्स गिवन है, फैट्स गिवन है और हमारे पास गिवन है प्रोटीन्स, क्या गिवन है प्रोटीन्स। अब कहता है कि फूड में डाइट में कम से कम यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स का दिया हुआ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स आपको 4 units की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है,
फैट्स की रिक्वायरमेंट्स कितनी है आपको, 500 का है, और 300 प्रोटीन्स है, और 300 प्रोटीन्स है, इतनी मिनिमम आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कम से कम इससे ज्यादा भी आप इसको यूज कर सकते हो, कम से कम 400 कार्बोहाइड्रेट और उससे ज्यादा भी हो सकता है। चलिए और डेटा क्या कहता है, कॉस्ट दी हुई है, चलिए कॉस्ट की भी बात कर ले। कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है हमारे पास फूड वन का, और 4 रुपए फूड टू है, यही है ना, कॉस्ट भी दे दिया। चलिए अगला डेटा क्या कहता है, फूड वन कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हमारे पास 20 यूनिट्स ऑफ फैट्स एंड 15 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड फूड टू कंटेन्स 25 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 10 यूनिट्स ऑफ फैट्स, एंड हमारे पास 20 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। यह आपको डेटा अवेलेबल हो गया। ऑब्जेक्टिव तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव इज द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अब मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है तो उसको कैसे की जाए, ध्यान से आप जरा इसको सोचोगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, वेरिएबल सेलेक्ट करो ना, जरा वेरिएबल सेलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, फूड वन और फूड टू पे। एजम्पशन ले लो, क्या ले लिया हमने, लेट एक्स वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड वन, फूड एफ वन, एंड एक्स टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड एफ टू। ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगा, जेड, क्या डिनोट करेंगे, जेड से, जेड इक्वल टू एक यूनिट पे दो एफ वन की कॉस्ट टू है तो क्या हो जाएगा, टू एक्स वन कॉस्ट हो जाएगा, अब प्लस 4x2 हो जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। पहला कंस्टेंट आपको कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सोचना होगा ना, पहला कंस्टेंट आपको कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना यूज कर रहे हो, 10 यूनिट्स ऑफ एफ वन, 25 यूनिट्स ऑफ एफ टू, कम से कम 400 होने चाहिए। वर्ड ध्यान रखना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट वर्ड दिया हुआ है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, दोनों में अंतर फर्क ये देखना है। आप मान लो घर से आप पैसे मांगते हो अपने पेरेंट्स से कम मुझे 1000 रुपए दो, तो आपको अगर पेरेंट्स 500 रुपए देते हैं तो आप क्या कहते हो कि मैंने आपसे कम से कम 500 1000 रुपए मांगे और आपने 500 रुपए दिए, तो कम से कम 1000 कहने का मतलब 1000 या 1000 से ज्यादा। अगर यही कहते हो कि अधिक से अधिक, एटमोस्ट कहने का मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 500 रुपए दे दिए, तो 500 से कम में भी चलेगा, तो ये चीजें ध्यान रख लेना है इस चीज को। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, 10 यूनिट्स ऑफ एक्स वन है, तो कार्बोहाइड्रेट 10x1 प्लस 25x2, यही होगा ना, फूड टू पे कितना हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करें, 25, कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान रखना आप लोग, कम से कम कितना है हमारे पास, कम से कम यूज करना है 400, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 400। उसी तरीके से दूसरा कंस्टेंट आपको फैट्स है, फैट्स में कितना यूटिलाइज करो, प्रोटीन आपका 20 यूनिट्स है और 10 यूनिट्स एक्स टू पे है, फूड टू पे है, तो 20x2 प्लस 10x2 सॉरी 20x1 सॉरी 20x1 प्लस 10x2
should be greater than equal to 500. And third is protein. प्रोटीन आपका क्या कहता है, 15x1 + 20x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। एंड लास्टली हमारे पास क्या करते हैं, लास्ट में x1, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रहा मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। और भी आते हैं क्वेश्चन, अभी बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप मॉड्यूल के क्वेश्चन पे चले जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मॉड्यूल का क्वेश्चन में। जब हम यहां इतना कर लेंगे कि मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको बहुत बौना सा लगेगा, छोटा सा लगेगा, मॉड्यूल में कुछ था ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जरा हम लोग। प्रॉब्लम थ्री क्या कहता है जरा हम लोग देखते हैं। एक कंपनी मेक्स टू काइंड ऑफ लेदर बेल्ट ए एंड बी। एक कंपनी है जिसपे हम दो तरह का बेल्ट बना रहे हैं, लेदर बेल्ट, बेल्ट ए एंड बेल्ट बी। बेल्ट ए रिक्वायर्स हाई क्वालिटी बेल्ट एंड बी ऑफ लोअर क्वालिटी। द रेस्पेक्टिव प्रॉफिट आर एंड नहीं है यहां पे आर होगा, द रेस्पेक्टिव प्रॉफिट आर ₹4 and ₹3। यानी बेल्ट ए को मैं बेचूं तो मुझे ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है, और बेल्ट बी को बेचूं तो मुझे ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है। बेल्ट ए हाई क्वालिटी है, ध्यान से इस लाइन का समझना है। ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। क्या कहता है क्वेश्चन में कि बेल्ट ए में दुगना समय लग रहा है, दुगना टाइम लग रहा है, जैसा कि जितना समय हमारा टाइप बी बेल्ट में लगता है। टाइप बी बेल्ट में 1 घंटा लगता है तो ए में 2 घंटे लगेंगे। टाइप बी बेल्ट में 1.5 घंटा लगता है तो टाइप ए में 3 घंटा लगेगा। टाइप बी में 2 घंटा लगता है तो टाइप ए में 4 घंटा लगेगा। यानी इस तरह का सिचुएशन हमें दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, इफ ऑल बेल्ट वर टाइप बी, सभी बेल्ट टाइप बी बनाए जाएं, देन इफ द कंपनी कैड कुड मेक 1000 पर बेल्ट पर डे। यानी अगर सिर्फ बी का बनाया जाए, ध्यान से समझना यहां पे, अगर सिर्फ बी का बनाया जाए तो 1000 बनेगा। सिर्फ बी का बनाया तो मैंने कहा कि सिर्फ ए का बनाओ ना पहले, ये भी तो सोचना पड़ेगा, सिर्फ बी के पे तो नहीं ना रहेंगे हम, सिर्फ ए पे भी आ जाओ। अगर सिर्फ ए पे, सिर्फ ए को अगर बनाएं, सिर्फ ए को अगर बनाएं तो क्या होगा, हमारा कितना बनेगा, सिर्फ ए बनाएंगे तो 500 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ए बनाने में दुगना समय लग रहा है, तो दुगना समय लग रहा है तो बी के बना, बी का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे आधा प्रोडक्शन होगा, यानी 500। सिर्फ ए बनाएंगे तो 500 एक दिन में बनेगा, या सिर्फ 1000 बी बनाए तो 1000 बनेगा एक दिन में। या तो 500 पूरा का पूरा बना लो ए, या बना लो आप बी 1000। इसके अलावा क्या कंडीशन दिया हुआ है, इसके अलावा क्या कंडीशन कह रहा है, अब कहता है कि सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशियंट फॉर ओनली 800 बेल्ट पर डे। अगर सप्लाई है 800 बेल्ट पर डे का, बोथ ए एंड बी कंबाइंड, बेल्ट ए रिक्वायर फैंसी बकल्स एंड ओनली 400 पर डे अवेलेबल। कहता कि बेल्ट एक में फैंसी बकल चाहिए तो 400 से ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और बी पे 700 अवेलेबल है। तो ध्यान रखोगे लेदर भी टोटल 800 ही सप्लाई हो रहा है, यानी 800 से ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, यही क्वेश्चन में कह रहा है। टोटल ए और बी मिलाकर लेदर 800 है, 800 दोनों मिलाकर 800 से ज्यादा नहीं होगा। अब मान लो कि अगर मैं टोटल 800 बना लूं ए का,
तो बी तो बनेगा नहीं, क्योंकि लेदर आपने टोटल 800 यूटिलाइज कर लिया। अगर 800 से कम ए का करते हैं तो बाकी बचे बी पे बनाएंगे, यही चीज है यहां पर। व्हाट शुड बी द डेली प्रोडक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ बेल्ट, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग। इसे हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मुलेट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? बेल्ट ए और बेल्ट बी का। हमने क्या ले लिया, लेट एक्स वन इक्वल टू नंबर ऑफ बेल्ट्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड पर डे। देखो जरा, मैंने पर डे एक दिन की सारी कहानी है, देखो क्वेश्चन में पर डे का है, इसीलिए मैंने यहां पे पर डे लिखा है। एक्स टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेल्ट्स ऑफ टाइप बी टाइप बी प्रोड्यूस्ड पर डे। चलिए जरा इसको सही से लिख दे, गड़बड़ ना हो आप लोग, कंफ्यूजन ना हो आप लोग। ऑफ टाइप ए एक दिन का है। ऑब्जेक्टिव तो पूरा कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय जेड, जेड इज इक्वल टू। अब देखो कि एक बेल्ट ए का प्रोडक्शन करके बेचने में हमें 4 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो बी में कितना है हमारे पास, 3 रुपए का, तो कितना हो जाएगा, 4x1 प्लस 3x2। अब आता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मैं यहीं पे आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं, आप लोग साइड में अपना कॉपी कर लेना, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए पेपर के लिए नहीं है। देखो एक बेल्ट ए बना रहे हैं और एक बेल्ट बी बना रहे हैं। क्वेश्चन की कहानी क्या कह रहा है, आपको कहता है कि 1000 बेल्ट बना रहे हो एक दिन में, 1000 बेल्ट पर डे, 1000 बेल्ट पर डे बना रहे हो ए का। अगर मैंने बी का बनाया तो 1000 ए का बना लो या 500 पर डे का भी बनाओ, एक दिन का है ना। अब देखो हमारे पास ए या तो 500 बना लो या 1000 बी बना लो। अब एक्स वन हमने माना है क्या, एक्स वन माना है बेल्ट ऑफ टाइप ए, क्या एक्स वन 500 के बराबर है? अगर एक्स वन 500 के बराबर होगा, 500 के बराबर हो जाएगा तो बी का प्रोडक्शन नहीं होगा, या एक्स टू 1000 के बराबर होगा तो बी का प्रोडक्शन ए का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर एक्स वन 500 से कम होगा तो बचा समय तो हम क्या कर सकते हैं, बी पे यूज करेंगे, या अगर मैं 1000 से कम प्रोडक्शन बी का करता हूं तो बचा हुआ समय किसको यूटिलाइज करूंगा, ए को करूंगा। तो एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन इज नॉट कंफर्म दैट इट इज एग्जैक्टली 500, या हमारे पास एक्स टू हमारे पास क्या है एग्जैक्टली किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, यह हमें पता नहीं है। लेकिन यह हमें पता है कि एक ही दिन का प्रोडक्शन करना है, एक दिन में ही प्रोडक्शन करना है, या तो दोनों का मिक्स करो या तो सिंगल एक एक कर लो, यही तो सिचुएशन है। तो अगर मैं एक्स वन बनाऊं तो कितना समय लगेगा, देखो अगर आप सोचो जरा, 500 बेल्ट अगर मैं ए का बनाता हूं, 500 बेल्ट कितने दिन में प्रोडक्शन हो रहा है, वन डे में ए का, तो एक बेल्ट प्रोडक्शन करने में कितना होगा, 1/500 डे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द डे आ जाएगा।
X1 प्रोडक्शन करने में कितना हो जाएगा, X1 बाई 500, यूनिटरी मेथड लगा दिया, इतना डे लगेगा। एंड दिस इज नॉट ए कंप्लीटेड डे। उसी तरीके से सोचो बी के लिए, या तो ए के लिए हो गया। अब बी के लिए क्या है, अगर 1000 बेल्ट बनाते हो तो आपको समय एक दिन का लगता है, एक बेल्ट बनाने में 1/500, तो X2 बेल्ट बनाने में कितना लगेगा, X2/500, यही आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी 1000, सॉरी 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 सॉरी, उफ गलती, बड़ा मिस्टेक हो रहा है, या 1/1000 और X2/1000, इतना डे हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह X1 बनाने का समय आया, इतना समय में X1 बनेगा और इतना समय में X2 बनेगा, दोनों का टाइम मिलाकर एक दिन से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पर डे का है ना। तो पहला कंस्टेंट आपके पास टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, X1/500 प्लस X2/1000 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। एक तो तरीका ये सोचने का है, इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा। देखो एक तो ये तरीका सोचने का है, दूसरा सोचोगे क्या, दूसरा एक और तरीका मैं बता दूं आपको। अब देखो बेल्ट ए है, बेल्ट ए है और बेल्ट बी है, बेल्ट ए बनाने में दुगना समय लग रहा है, मान लिया जाए बेल्ट बी में हम के टाइम लगाते हैं, अगर मान लो के टाइम लगाते हैं बेल्ट बी बनाने में के आर्स, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, और टोटल बेल्ट कितना बन रहा है हमारा, टोटल बेल्ट कितना बन रहा है 1000 बी का, तो टोटल टाइम हमारे पास 1000 के है, और बी का बनाने में कितना समय लगेगा, 2k लगेगा। अब X1 बना रहे हो इसका और X2 बना रहे हो, क्या हो जाएगा, 2kx1 प्लस kx2 इज इक्वल टू 1000k, k कॉमन ले लिया हमने यहां से, तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस x2, k यहां से कॉमन हो जाएगा और यह k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 के बराबर होगा। अब इस तरीके से भी सोच सकते हो, मैंने दोनों आपका चॉइस बताया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, यह 1000 हो गया, तो ट्वाइस X1 प्लस X2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या बन गया, ट्वाइस X1 प्लस X2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो लेस देन इक्वल टू 1000, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो सिचुएशन यही है कि नहीं है, सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आएगा, आप थोड़ा ये ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को भी। यह हो गया हमारे पास टाइम। अगला कंस्टेंट क्या है, लेदर आपके पास है, अगला कंस्टेंट क्या है, लेदर है, अगला कंस्टेंट क्या है, लेदर है, लेदर टोटल अवेलेबल 800 का है, यानी 800 बेल्ट ही बनेगा ए और बी मिलाकर, तो टोटल हम X1 बना रहे हैं ए का और बी का बना रहे X2, तो टोटल लेदर 800 से ज्यादा का नहीं है। बकल ए के लिए X1 का कहते हैं कि 400 से ज्यादा बकल नहीं है, तो 400 से ज्यादा बेल्ट नहीं बनेगा, और बी के लिए हमारे पास बकल बचा हुआ है लेस देन 700, 700 से ज्यादा नहीं है, तो क्या हो गया हमारे पास, X1, X2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो इसका सोल्यूशन है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी जिस पैटर्न से कह रहे हैं उसी पैटर्न से आप लोगों को करना है, ये नहीं कि आप लोग अपना पैटर्न शुरू कर देना, एक बार प्रैक्टिस मेरे पैटर्न से ही करोगे, और कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना है, खास करके जो चैप्टर मैं करा रहा हूं, बाकी में आप लोग कर सकते हो, जहां मैं जिस पे इंस्ट्रक्ट करूंगा उसी पे आप लोग करोगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है,
A manager of an oil refinery must decide to optimal mix of two possible blending processes, which is the input and output per production run are as follows. देखो कि क्या कहता है, ऑप्टिमल ब्लेंडिंग मिक्स करनी है, मतलब प्रोसेस बताना कि कौन से प्रोसेस से कितना प्रोसेस की जाए, हर प्रोसेस का इनपुट, हर प्रोसेस पे कितना इनपुट और कितना आउटपुट हो रहा है पर प्रोडक्शन रन, एक बार रन करते हैं तो, एक बार रन करते हैं, प्रोसेस का नाम दिया है प्रोसेस वन और प्रोसेस टू, एक बार प्रोसेस वन से प्रोडक्शन रन कराया जाए तो क्रूड ए चार यूनिट हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस टू से अगर प्रोसेस पहले एक बार प्रोडक्शन रन कराई जाती है तो पांच यूनिट क्रूड ए का होता है, उसी तरीके से बी से तीन और छह है आउटपुट, एक बार प्रोडक्शन रन कराया जाए तो प्रोसेस वन से चार यूनिट गैसोलीन एक्स आउटपुट के रूप में निकलता है और सेवन यूनिट वाई गैसोलीन वाई निकल के आता है, इसी तरीके से प्रोसेस टू से फाइव और फाइव आउटपुट है। अब आगे क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ क्रूड ए, क्रूड ए 225 यूनिट है और क्रूड बी 200 यूनिट आपके पास अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है आपके पास। अब क्या कहता है, अब गैसोलीन एक्स की मार्केट में डिमांड कम से कम, एटलीस्ट व्हाट यूज किया, एटलीस्ट कितना है 150 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन एक्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन वाई, यह हमारे पास है, मस्ट बी प्रोड्यूस, द प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन फ्रॉम द प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू आर 200 एंड 300 रेस्पेक्टिवली, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, यह हमें करना है इसमें। चलिए अब इस क्वेश्चन को, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका दिया हुआ, देखो प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन गिवन है, प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन गिवन है, क्या गिवन है, प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन गिवन है, यानी एक बार प्रोडक्शन रन प्रोसेस वन से करते हैं तो 200 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रोडक्शन रन एक बार प्रोडक्शन रन प्रोसेस टू से करते हैं तो 300 यूनिट का हमारे पास 300 का प्रॉफिट होता है, यानी प्रोडक्शन विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ऑन प्रोसेस वन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ऑन प्रोसेस टू, यानी वेरिएबल क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स प्रोडक्शन रन कैन बाई बाई प्रोसेस वन एंड हाउ मेनी टाइम्स प्रोडक्शन रन बाई प्रोसेस टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, तो पहले वेरिएबल सेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर अभी नहीं करना है, फोर अभी आप लोग बाद में करोगे, क्वेश्चन नंबर फाइव, लेट X1 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ऑन प्रोसेस वन, X2 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ऑन प्रोसेस टू, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जेड इज इक्वल टू, देखोगे जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार प्रोडक्शन रन प्रोसेस वन से करते हैं तो 200 का प्रॉफिट होता है, तो 200 एक्स वन हो जाएगा और प्लस 300 एक्स टू हो जाएगा, यही होगा ना, क्या हो जाएगा, 200 एक्स वन प्लस 300 एक्स टू सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट्स आपका क्रूड ए,
क्रूड है, देखोगे जरा क्रूड है, प्रोसेस वन में एक बार प्रोसेस 4 यूनिट और प्रोसेस टू पे 5 और अवेलेबिलिटी 8225 है, तो 4x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 225, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 5x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू क्रूड ए है 225, क्रूड बी हमारे पास कितना है, कितना यूटिलाइज होगा 3x1 प्लस 6x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 200, 200 यूनिट है। अगला कहता है गैसोलीन एक्स, कम से कम मार्केट में डिमांड गैसोलीन एक्स का 150 यूनिट है, क्या होगा गैसोलीन एक्स कितना निकल रहा है 4x1 प्रोडक्शन प्रोसेस वन पे, प्रोसेस टू पे कितना 5x2 इज लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम कह रहा है नॉट लेस देन, ये ध्यान रखना आप लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 150। उसी तरीके से गैसोलीन वाई कितना हो जाएगा 7x1 प्लस 5x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120 यूनिट्स। एंड लास्टली इज x1, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा लास्टली इज x1, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये भी हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस है, इसमें हमारा कंस्टेंट बढ़ गए। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ए रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट अप टू अमाउंट 20,000, एक रिटायर्ड पर्सन है 20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 20,000 तक, इट मींस हिज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 20,000, बजट उसका 20,000 से ज्यादा का नहीं है, इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हिज ब्रोकर रिकमेंड्स दैट इन्वेस्टिंग इन टू बॉन्ड्स, उसका ब्रोकर दो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है, बॉन्ड ए यील्ड 10% रिटर्न अमाउंट इन्वेस्टेड एंड बॉन्ड बी 15% रिटर्न अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी हमारे पास बी में 15% रिटर्न है। आफ्टर सम कंसिडरेशन, और भी कुछ चीजों को कंसिडर करते हुए ही डिसाइड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5,000 इन बॉन्ड ए, वह चाहता है कि कम से कम बॉन्ड ए में 5,000 रुपया जमा करे कम से कम, एंड एटमोस्ट 8,000 इन बॉन्ड बी, बॉन्ड बी में 8,000 से ज्यादा नहीं करना चाहता है। He also wants that the amount invested in bond A must be at least equal to the amount invested in bond B. यानी क्या कहता है? यह जानता है, यह he also wants, यह जान यह चाहता है कि bond A में कम से कम उतना आप इन्वेस्टमेंट करें, वह इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जितना कि bond B में, यानी bond A में कम से कम बॉन्ड बी के बराबर होगा ही होगा, मतलब बॉन्ड बी से ज्यादा भी हो सकता है। व्हाट शुड हिज ब्रोकर रिकमेंड्स दैट ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, इट मींस हमें इसे मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे जरा, मैंने कहा कि आप फॉर्मुलेट करोगे तो ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न है, रिटर्न किस पे मिलता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो तरह का इन्वेस्टमेंट है आपके पास बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी, बॉन्ड ए में कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो और बॉन्ड बी में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी टोटल रिटर्न विल डिपेंड्स ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी, यानी इट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल, वो वेरिएबल कंसीडर्ड किए जाएंगे। चलिए अब आते हैं इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स
क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट रुपीज एक्स वन इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए, रुपीज एक्स टू इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न. Maximization of return. Maximization of return. Return is denoted by Z is equal to. अब देखोगे कितना A पे कितना हमारे पास return मिल रहा है. A पे return मिल रहा है, A का return मिल रहा है 10%, यानी 10% of X1 प्लस 15% ऑफ एक्स टू सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमारे पास क्या है, आपके पास अमाउंट कहता है इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 से ज्यादा नहीं करेगा, तो एक्स वन रुपीज प्लस एक्स टू शुड बी लेस देन इक्वल टू 20,000, यही होगा. 20,000 से ज्यादा वह इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा. दूसरा कंस्टेंट क्या कहता है, बॉन्ड ए में कम से कम 5,000 तो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो बॉन्ड ए एक्स वन है, तो एक्स वन में कम से कम 5,000, एक्स वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000. इसी तरीके से बॉन्ड टू में अधिक से अधिक, बॉन्ड बी में अधिक से अधिक 8,000, एटमोस्ट 8,000, तो बॉन्ड बी में एक्स टू इन्वेस्टमेंट है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 8,000. अब आगे का अगला क्या कहता है, बॉन्ड ए में कम से कम उतना इन्वेस्टमेंट होगा, बॉन्ड ए में कम से कम उतना इन्वेस्टमेंट होगा जितना कि बॉन्ड बी में है, तो बॉन्ड ए में इन्वेस्टमेंट एक्स वन है और एक्स वन कम से कम, मतलब एक्स वन एक्स टू से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है. एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू, एंड लास्टली हमारे पास एक्स वन कॉमा एक्स टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. दिस इज द आंसर. यह आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यह क्वेश्चन नंबर सिक्स है. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन पे. क्वेश्चन नंबर नाइन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन. अब क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, अब यहां पे देखोगे होमवर्क भी देंगे. अब क्वेश्चन नंबर नाइन पहले कर लेते हैं. ए मीडिया स्पेशलिस्ट प्लान्स टू एलोकेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन थ्री मीडिया वेयर यूनिट कॉस्ट ऑफ ए मैसेज आर 1500, 1250 and 1000 respectively. The total advertisement budget available for a year, यानी कि एक साल का 50,000 का बजट है, और अगर एडवर्टाइजमेंट तीन मीडिया में कराता है तो 1500 का एक में है, दूसरे में 1250 का है, तीसरे में 1000 का, यानी कि 1500, 1000, 250 and 100, 1000 rupees per unit messaging cost है. टोटल बजट कहता है कि 50,000 से ज्यादा एक साल में खर्च नहीं करेगा. द फर्स्ट मीडियम मंथ, फर्स्ट मीडियम
is monthly magazine and it is desired to advertise not more than once in one issue. एक से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एक बार में नहीं किया जाएगा. तो कहता है कि एक बार से यानी कि फर्स्ट मीडियम मंथली मैगजीन है. मंथली मैगजीन है एक एडवर्ट एक इशू में एक ही एडवर्टाइजमेंट होगा. मतलब मान लो कि एक मैगजीन है जनवरी महीने का मैगजीन है या फरवरी महीने का मैगजीन है या मार्च महीने का मैगजीन है या नवंबर महीने का मैगजीन हो या हमारा अक्टूबर महीने का कोई भी महीने का मैगजीन हो मंथली है तो टोटल 12 इशू आएंगे. और कहता है कि हर इशू में एक ही एडवर्टाइजमेंट होगा. मतलब अगर नवंबर महीने में हमने एडवर्टाइज कराया है तो उस मैगजीन के किसी एक पेज पे अगर जो हमने एडवर्टाइज कराया है तो उस नवंबर महीने के मैगजीन में किसी दूसरे पेज पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा. तो एक इशू में एक ही एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से. मतलब एक साल में 12 आप कराओगे, 12 से ज्यादा नहीं कराओगे मंथली है इस कारण. एटलीस्ट 5 एडवर्टाइजमेंट शुड बी अपियर इन द सेकेंड मीडियम. सेकेंड मीडियम में कम से कम 5 होना चाहिए और थर्ड मीडियम कहता है कि 6 से 10 के बीच में वैरी करना चाहिए. द इफेक्टिव ऑडियंस यूनिट एडवर्टाइजमेंट फॉर द 3 मीडिया. इफेक्टिव ऑडियंस लोगों के पास कैसे रीचनेस होता है. यहां लिखा हुआ यूनिट एडवर्टाइजमेंट मतलब एक बार एडवर्टाइज कराते हो. अगर एक बार एडवर्टाइज मीडिया 1 में कराते हो तो 50,000 लोगों के पास पहुंचता है. मीडिया 2 में कराते हो तो 40,000 लोगों के पास पहुंचता है. मीडिया 3 में कराते हो तो 25,000 लोगों के पास पहुंचता है. एक बार मीडिया 1 में कराते हैं तो 50,000 लोगों के पास पहुंचेगा. मीडिया 2 में कराते हैं तो 40,000 लोगों के पास पहुंचेगा. और थर्ड में कराते हैं तो एक बार में तो 25,000 लोगों के पास पहुंचता है. फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू फाइंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन 3 मीडिया दैट वुड मैक्सिमाइज द इफेक्टिव ऑडियंस. दिस इज पार्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मैक्सिमाइज ऑफ टोटल इफेक्टिव ऑडियंस. मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव ऑडियंस. और इफेक्टिव ऑडियंस किस पे डिपेंड कर रहा है. यूनिट एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कि एक बार एडवर्टाइजमेंट कराते मीडिया 1 पे तो 500 लोगों 50,000 लोगों के पास जाएगा. दो बार करेंगे तो 50,000 इंटू 3 दो और तीन बार करेंगे तो 50,000 इंटू 3. यानी टोटल इफेक्टिव ऑडियंस विल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मीडिया 1, हाउ मेनी एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मीडिया 2 एंड हाउ मेनी एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मीडिया 3. वेरिएबल क्या हो गया. नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मीडिया 1, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मीडिया 2 एंड नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मीडिया 3. यह हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया. ऑब्जेक्टिव पता ही हो गया. कंस्ट्रेंट कहता है 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे हम, हमारा बजट ही है. मंथली मैगजीन है उसका रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितने होने चाहिए. चलिए अब उसको हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन. लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट placed in media 1 per year. x2 is equal to number of advertisement placed in media 2 per year. x3 is equal to number of advertisement placed in media 3 per year. ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव ऑडियंस. टोटल इफेक्टिव ऑडियंस जेड इक्वल टू x1 फर्स्ट एडवर्ट मीडिया 1 में 50,000 लोगों के पास पहुंचता है तो 50,000 x1 प्लस मीडिया 2 में कितना हमारे पास पहुंचता है
मीडिया टू में हम लोगों को पहुंचता है 40,000 लोगों के पास, तो 40,000 एक्स टू प्लस मीडिया थ्री में कितना पहुंचता है 25,000 लोगों के पास, 25,000 एक्स थ्री। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, पहला कंस्टेंट्स, फर्स्ट कंस्टेंट्स इज बजट। पहला हमारा बजट है, मीडिया वन में एडवर्टाइज कराते हैं तो 1500 रुपए का खर्चा है एक बार का, तो 1500 एक्स वन। मीडिया टू में कितना है 1250, तो 1250 एक्स टू प्लस 1000 एक्स थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000 एक साल का खर्चा, क्योंकि हम पूरा ईयरली ले रहे हैं। अब कहता कि फर्स्ट मीडिया मंथली मैगजीन है तो एक्स वन शुड बी लेस देन इक्वल टू 12 से ज्यादा नहीं एडवर्टाइज होगा। X2 should be greater than equal to 5. B में कहता है सेकेंड मीडिया में कम से कम 5 एडवर्टाइजमेंट, और थर्ड मीडिया में क्या क्या कहता है 6 से और 10 के बीच में होगा, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, ये हमारे पास है। एंड लास्टली X1, X2, X3 should be greater than equal to 0। यह आपका क्या है, यह आपका फॉर्मुलेशन है एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम का, एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम का आपका ये फॉर्मुलेशन है। इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम करते हो। अब हमने देखा मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, इन्वेस्टमेंट का, एडवर्टाइजमेंट का किया। अब कुछ होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क जरूर करना है। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर है आपको क्वेश्चन नंबर 7-8, क्वेश्चन नंबर 7-8-9 करा दिया हमने, उसके बाद आप करोगे 19, 20, 21 एंड 22, इसे आपको करना है, यह आपको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है? और इतना करने के बाद इसका हम आंसर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे, आप लोग इसका आंसर बता देंगे, आप लोग उसमें मैच करा लीजिएगा। चलिए, हैप्पी लर्निंग। अगर कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सएप करें 9873088920 पे व्हाट्सएप करें, इसके आधार पर हम आपको जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज हम लोगों ने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस किया। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हमने कंप्लीट अभी नहीं किया है, हम अभी इसमें इसके सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन करा देंगे। बाकी आप लोगों को जो होमवर्क देते हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा साथ के साथ, और साथ के साथ करने में आपको 10 से 15 मिनट का समय देना है। हम ज्यादा यहां पर आप लोगों को होमवर्क नहीं दे रहे हैं, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इस तरह का देंगे, बहुत बड़ा ज्यादा नहीं होगा, और आप लोग साथ के साथ कंप्लीट करते चले जाइए, बिल्कुल आसान, और आप लोग बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद।